हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईडी एडवांस का पीवाईक्यू रेडॉक्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास आईडी एडवांस 2023 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। आपके पास यहां पे क्वेश्चन दिख रहा होगा H2S का मोल आपके पास दिया हुआ है जो कि कंप्लीटली रिएक्ट किया हुआ है किसके साथ, एसिडिफाई एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ। In this reaction, the number of moles of water produced is x. Water का मोल क्या दिया हुआ है? x. And the number of mole of electron involved in this reaction. इस reaction में number of electron जो involved है, इसका आपका number क्या दिया हुआ? y. आपको value of x plus y निकालना है। क्या निकालना है? Value of x plus y. Question यहाँ पर लिए जरा सोचते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या बातें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला बात, यहाँ पे H2S लिखा हुआ है, जरा हम लिख देते हैं H2S। ये H2S में यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। तो ये क्या होगा? ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट ही है, ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो किसको ऑक्सीडाइज करवाएगा? ये जो H2- है इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा। और ये किसमें कन्वर्ट करेगा? ये ऑक्सीडाइज होगा के H0 में जाएगा। इतना बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बात, आप जब रिडॉक्स का क्वेश्चन करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इक्विवेलेंट को इक्वेट करना। इक्विवेलेंट को जब इक्वेट करना आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट ऑफ K1O4 ये किसके बराबर होगा? K1O4 ये बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ H2S, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? मतलब K1O4 का इक्विवेलेंट और H2S का जो इक्विवेलेंट है क्या होगा? बराबर होगा। ये बात आपको समझना होगा, ये बात हम समझ गए। अब इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इक्विवेलेंट का दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या होता है? एक तो मोलारिटी। अच्छा, आप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पहले लिखो। एन इक्विवेलेंट अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे मोल्स इनटू एन फैक्टर। क्या लिखेंगे? मोल्स इनटू एन फैक्टर, एक फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या आता है? दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या आता है? दूसरा फॉर्मूला आपके पास आएगा इक्विवेलेंट, आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से इसको। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप क्लोज नहीं कर पाओगे, क्योंकि और भी क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको काम देगा। तो एन इक्विवेलेंट ऑफ K1O4 ये किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट ऑफ H2S, ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो अब यही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात बताया जाए आपको, हम रब कर देंगे क्वेश्चन। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखे थे, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखे थे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पे, ये तो कंसेप्ट है, ये दो फॉर्मूला आपको चमकना चाहिए ताकि हम आगे के भी क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पे H2S का जो मोल्स कितना दिया हुआ है? 5। कितना मोल्स दिया हुआ है? रिएक्शन बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं, कितना मोल्स दिया हुआ है? 5। अच्छा, एक बात आप बताओ, यहाँ पे ये 5 मोल दिया हुआ है H2S का, तो ये जब जा रहा है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो देखो यहाँ पे कितना का चेंज आया? 2 का चेंज आया। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे चेंज कितना का है? 2 का। और 5 है तो कितना का चेंज होगा? 10 का। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझो ये H2- है, जब ये क्या किया होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, दो इलेक्ट्रॉन को ये लूज किया होगा तो क्या बना होगा? ऐसे S0 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना होगा? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है,
तो ये आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गया। 5 मोल है, अगर ये 5 मोल है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये बात यहाँ से भी कन्फर्म होता है। और दूसरा, जब भी एसिडिक मीडियम आपके पास दिया रहता है तो KNO4 इसमें कन्वर्ट होगा, जो Na जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है एसिडिक मीडियम में, एक इसमें जाता है तो ये +2 में जाता है। यहाँ पे N फैक्टर इसका क्या होता है, 5 होता है, इसका N फैक्टर यहाँ पे 5 होता है, तो यहाँ पे इसका N फैक्टर 5 होता है। अब यही कंसेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे KNO4 का आपको मोल्स पता चल जाएगा। किसका मोल्स पता चलेगा, KNO4 का। तो इतना काम करने के बाद आपको नंबर ऑफ वाटर भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे जब हम KNO4 का मोल्स पता कर लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वाला वाई वाला चीज हमको पता चल गया, कैसे पता चला, आप ऐसे भी देख सकते हो, पहले KNO4 का मोल्स निकाल देते हैं उधर के बाद भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ H2S इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ किसका, इक्विवेलेंट ऑफ N इक्विवेलेंट ऑफ KNO4। अच्छा, किसका मोल्स कितना दिया हुआ है ये बताओ, तो इसका मोल्स 5 दिया हुआ है, इसका मोल्स कितना दिया हुआ है 5, और इसका N फैक्टर 2। इसका मोल्स आपको निकालना है, मोल ऑफ KNO4, मोल्स ऑफ KNO4, ये इक्विवेलेंट, ठीक है, मोल्स ऑफ KNO4, और यहाँ पे N फैक्टर इसका क्या दिया हुआ है 5। 5 होता है, दिया हुआ नहीं है, क्योंकि Na किस में जाता है, +7 से +2 में जाता है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में इसका N फैक्टर 5 होता है, सबको पता है, सब जगह पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आप ये 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे मोल्स ऑफ KNO4 आ जाएगा आपके पास। KNO4 का मोल्स कितना है, 2, मतलब यहाँ पे 2 KNO4 है। KNO4 का मोल्स कितना दिखा यहाँ पे, KNO4 का मोल्स यहाँ पे 2 दिखा। अब यही से समझ सकते हो, जो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो H2O जो बन रहा होगा बीच में, यहाँ पे क्या बन रहा होगा, H2O बन रहा होगा, क्योंकि जब इसको हम रिएक्ट करेंगे तो ये पूरा पूरा एक इक्विवेलेंट इसका, एक इक्विवेलेंट इससे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे वाटर बनेगा, और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा हमको कोई मतलब नहीं है, बस जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो आप सीखें। यहाँ पे ऑक्सीजन से ही वाटर बन रहा होगा, और हमको पता है जब केमिकल रिएक्शन जब बैलेंस करते हैं तो जितना मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे तो ये पता चल गया कि KNO4 का मोल कितना है, 2 मोल है, मतलब ये आपके पास मोल्स पता चल गया है, इसका मोल्स तो दिया हुआ है, इसका मोल्स दिया हुआ है, मतलब इस साइड जो होगा इसी को बैलेंस किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का अगर मोल्स अगर हम बताएं तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन दिख रहा होगा, कितना ऑक्सीजन दिख रहा होगा, 8, क्योंकि एक KNO4 में 4 ऑक्सीजन, 2 KNO4 में 8 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 8 H2O रहा होगा, कितना H2O रहा होगा, 8। फिर से आपको समझाए एक बार, देखें क्या बोलना चाह रहे, एक KNO4 में 4 ऑक्सीजन, तो 2 KNO4 में कितना, 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन है तो इसी से वाटर बना होगा, ऑक्सीजन जो है इधर और इधर बराबर होना चाहिए, तो ये वाटर जो बना होगा 8 मोल बना होगा। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और एक चीज और वेरीफाई करना चाहते हैं, KNO4 कितना है आपके पास, 2 मोल है, मतलब जो Na2 से +7 वाला कितना है, 2 मोल, और ये Na+2 में जा रहा है, ठीक है, इसका मोल्स आपको नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है जो अगर ये 2 मोल्स हैं तो यहाँ पे 5 का चेंज दिख रहा है और 2 मोल के लिए 10, तो इलेक्ट्रॉन तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, तब ये जाकर के Na2+ में ये रिड्यूस हो रहा है, तो 10 मोल यहाँ से भी पता चल, मतलब टोटल कितना हो गया, 8 वाटर और प्लस क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन, एक आंसर आ गया इसका 18। ये बात को समझे कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे हम सोच रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से हम क्या कर लिए, वाटर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज करवाएगा,
ये यहाँ पे सल्फर जीरो में जाएगा। यहाँ पे और भी कुछ कुछ रिएक्शन होगा, रिएक्शन हम अब प्रिंटेड फॉर्म में आपको उसको आप सॉल्यूशन को आपको चिपका दे रहे हैं, आप देख सकते हो किस तरह से। लेकिन इस तरह से भी सोचा जा सकता है और इस तरह से सोच करके आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हो। एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में एक बहुत ही फेमस कोचिंग है या इंस्टीट्यूट है, वहाँ का जो टीचर है वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट इम्प्रॉपर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। अब तो वो आंसर को एक्सप्लेन कर दे रहा है, लेकिन बात क्या है, जो आप जब कंसेप्ट दे रहे हो बच्चे को तो वो गलत दे रहे हो, वो बात गलत है। तो आप देख सकते हो कहाँ पे गलती कर रहा है ये भी बता देंगे। किसी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन आपको दिखा तो हम ये बात बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, और ये सारा मॉलिक्यूल्स आपके क्लास नोट्स में होगा, ठीक है। ये सारा मॉलिक्यूल्स हर जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह बताया जाता है, सारा इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे पूछा गया है ये एलिमेंट्स जो है जिसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितने एलिमेंट्स है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो फेमस एक तो आपके पास Br3O8 है, दूसरा F2O है, थर्ड H2S4O6 है, नेक्स्ट H2S2O6 है, और थर्ड लास्ट वन क्या है C3O8। अब ये क्वेश्चन में जो वो है ऑक्सीडेशन स्टेट सबका हम लिखेंगे, कैसे दिखते हैं पहले समझना है। ब्रोमीन कितना है यहाँ पे, 3 ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन 3 लगा दो आप पहले, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है आपके पास, तो ऑक्सीजन है 8, कितना ऑक्सीजन है 8, तो 3 तो पहले इसमें लगाओ, ठीक है, और 3 इसमें लगाओ। अब कितना बच गया, 2। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या गया, +6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा और इसका +2 आएगा। कैसे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन था उस टीचर ने क्या किया था, इसको +7 कर दिया, जो कि गलत है। जब भी आपके पास सेम एलिमेंट रहेगा तो वहां पे हम इसको 0 0 मानेंगे, मतलब उसका हम काउंट नहीं करेंगे। ये -2 -2 -2 कितना हो गया, ये +6 हो गया, आप ये समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक भी नहीं है जिसका जीरो जो एलिमेंट है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। F2O देख करके पता चल रहा है तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिखाते हैं, ये -1 में रहेगा, ये +2 में रहेगा, और ये क्या रहेगा, -1 में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाला तो और एक्सप्लेन करते हैं, इसको जरा रब भी कर देते हैं। ये तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे अभी एक अभी नहीं दिखा जिसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अब इसी में होगा कुछ ना कुछ। तो हम जरा बात करते हैं कितना सल्फर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे इसमें तो 5 सल्फर है और इसमें कितना है, 4 सल्फर है। तो पहले हम सल्फर बना लेते हैं, तो सल्फर यहाँ पे 5 4 बनाते हैं, कितना सल्फर 4। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 6 है। अच्छा हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो एक OH यहाँ पे बना दो, जितना H उतना OH लगाना है आपको, तो 2 OH लगा दिए साइड साइड में। अब आपके पास कितना ऑक्सीजन बचा है, तो 6 ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, 6 ऑक्सीजन नहीं, आपके पास 4 ऑक्सीजन बचा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जी, ये दोनों जो एलिमेंट है यहाँ पे इसके पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, इसका नंबर क्या है, 2। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे भी सेम काम कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो जो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 5 सल्फर है, इसके साथ डबल बॉन्ड, कितना OH, तो 2 OH साइड साइड लगा देना है आपको OH को, क्योंकि यहाँ पे आप दो ही H+ को ये रिलीज कर सकता है,
ये भी समझना होगा, ये जो H+ पे रिलीज करेगा दो ही करेगा, जो एसिड है ये दो ही H+ को रिलीज करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लगेगा, ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। आपके पास ऑक्सीजन होना भी तो चाहिए, चार ही छह ही ऑक्सीजन है टोटल, तो तीन यहाँ पे छह हो गया, खत्म हो गया, तो आपके पास यहाँ पे तीन दिखा। अब यहाँ पे एक और बात है, जो कार्बन के साथ कहानी कुछ चल रहा है, कार्बन कितना है आपके पास, तो कार्बन यहाँ पे तीन कार्बन दिख रहा होगा, कितना कार्बन दिख रहा होगा, तीन, और ऑक्सीजन दो, तो दो ऑक्सीजन लगा दी, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब इस केस में इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा प्लस टू, इसका भी आएगा प्लस टू, लेकिन इसका आएगा जीरो, इसका आएगा प्लस टू, इसका आएगा प्लस टू, इसका आएगा जीरो। तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कितने हैं एलिमेंट, तो छह एलिमेंट है जिसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, छह एलिमेंट है जिसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये दो क्वेश्चन रिडॉक्स के एडवांस का क्वेश्चन, और ये 2023 का क्वेश्चन है।